बड़सर के कांग्रेस विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने सांसद अनुराग ठाकुर पर नैतिकता का झूठा नाटक करने का आरोप लगाया है। बड़सर में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने दो टूक शब्दों में सांसद अनुराग ठाकुर को नैतिकता का पाठ अपने कार्यकर्ताओं को देने की बात कही है। साथ ही लखनपाल ने बड़सर विधानसभा क्षेत्र में लगाए गए कूड़ेदान का हिसाब दे, क्योंकि इन कूड़ेदानों में पैसों का गोलमाल किया गया है। उन्होंने कहा कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र में जो सांसद ने कूड़ेदान लगाए हैं, इसके बारे स्थानीय विधायक को कोई भी प्रपोजल नहीं बताया था कि यहां पर इनको स्थापित किया जाएगा। आज हालात ऐसे हैं कि सभी कूड़ेदान भर चुके हैं, जिससे स्वच्छता अभियान को ठेंगा दिखाया जा रहा है। उन्होंने सांसद पर आरोप लगाया है कि इन कूड़ेदानों को लगाने का क्या मकसद रहा है, इन कूड़ेदानों पर कितना पैसा खर्च हुआ है, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इन कूड़ेदानों को लगाने में हुआ है, ये उजागर होने वाला है। केंद्र का तो ना तो उनकी तरफ से और ना ही सरकार की तरफ से कोई निमंत्रण पत्र तक नहीं हमें आया। वो हमें नैतिकता की पाठ पढ़ाते हैं। अरे नैतिकता तो उनके अंदर होनी चाहिए, और जो उनके अधिकार क्षेत्र में आता ही नहीं है। अग्निशमन केंद्र का अगर उद्घाटन कराना था तो वो माननीय मुख्यमंत्री से करवाते, जयराम जी से करवाते, तब हम मानते कि वो नैतिकता की बात करते हैं, क्योंकि वो जयराम जी को मुख्यमंत्री मानते ही नहीं है। उनको तो ये मलाल है कि प्रेम कुमार धूमल जी मुख्यमंत्री नहीं बने तो कोई मुख्यमंत्री नहीं है। मैं तो यहां तक कहना चाहूंगा कि अगर वो नैतिकता होती भारतीय जनता पार्टी में, तो वो माननीय मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी को यहां बुलाते, हम भी आते उनके स्वागत में, हम भी उनका धन्यवाद करते और हम इलाके लिए और चार मांगे उनसे मनवाते और इलाके के क्षेत्र के लिए विकास के लिए कुछ पैसा लेते। वो तो 15 साल में उन्होंने छोटी छोटी लोगों के लिए आता है, उसमें तो आम जनता की तो कोई बात ही नहीं होती है। तो इस प्रकार की नैतिकता का पाठ हमें मत पढ़ाएं। हमें भी राजनीति करते हुए 40 वर्ष हो गए और हमें अपनी नैतिकता में ही रहने दें। वो अपनी नैतिकता अपने भारतीय जनता पार्टी के लोगों को बताएं, वो जो दंडता उनके लोग करते हैं उनको सिखाएं कि नैतिकता क्या होती है। और अभी जो लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं, आम जनता उनको नैतिकता सिखा देगी, उसका सर्टिफिकेट जनता देती है। गत दिवस सांसद अनुराग ठाकुर द्वारा बिजरी में अग्निशमन केंद्र कार्यालय का शिलान्यास किए जाने पर विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कहा कि बिजरी में अग्निशमन केंद्र का शिलान्यास सांसद के अधिकार क्षेत्र में आता नहीं है। अगर अग्निशमन केंद्र का उद्घाटन करवाना था तो मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से करवाते। बड़सर में जितने भी विकास कार्य हुए हैं, कांग्रेस पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की देन है। उन्होंने कहा कि प्रेम कुमार धूमल 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने बड़सर के लिए कोई भी विकास कार्य नहीं किया है। हमें जो हमारा बड़सर में SDM कार्यालय है, SDM ऑफिस है, वो वीरभद्र सिंह जी की देन है। सभी डिवीजन उनके कार्यकाल में बने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी ने दिया क्या है? यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया। प्रेम कुमार धूमल जी 10 साल मुख्यमंत्री रहे, वो बताएं बड़सर के लिए उन्होंने क्या दिया? छोटे छोटे आंगनबाड़ी केंद्र दे दिए या जंज घर दे दिए, उससे कोई विकास थोड़े होता है। आज अगर अनुराग ठाकुर जी इतनी नैतिकता की बात करते हैं तो नैतिकता तो उनके अंदर होनी चाहिए थी। इन कूड़ा पात्रों के बजाय वो बड़सर विधानसभा क्षेत्र के लिए और हमीरपुर लोकसभा का जो संसदीय क्षेत्र है उसके लिए कोई एक बड़ी बृहद पानी की योजना लेकर आते, तब हम उनकी बात मानते, उनका धन्यवाद करते। उनको कोई उसका वो नहीं है। वो तो पहले जवाब दें, ये जो कूड़े के जो पात्र लगाए हैं इसका आखिर में मकसद क्या था, इसके ऊपर कितना पैसा खर्च हुआ, कितना बड़ा भ्रष्टाचार इस देश के अंदर इन कूड़ादानों को लगाने में हुआ है, ये उजागर होने वाला है बहुत जल्दी। अगर